हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस समय पे, यानी कि दिसंबर अभी चल रहा है, इस समय पे यूएई के जो वीज़ा हैं उनके आने का प्रोसेसिंग टाइम क्या है, जिससे हम सबको आइडिया हो सके कि हमारा वीज़ा कितने दिन में लग सकता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूएई विजिट वीज़ा की। तो यूएई विजिट वीज़ा जो है अभी किसका आ रहा है किसका नहीं आ रहा है, ये मैंने पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ। तो अगर आप लोगों को ये जानना है कि किसके वीज़ा जो है वो अभी आ रहे हैं किसके नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। आज टाइम बताऊँगी, यानी कि प्रोसेसिंग टाइम जो होता है वो क्या है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि अगर आप इंडिया से हैं तो आपका जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है, विजिट वीज़ा, वो 2 दिन से मैक्सिमम 5 दिन का है। इस बीच में ही आपका वीज़ा लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि मिनिमम 2 डेज और मैक्सिमम मैं बता रही हूँ 5 डेज। इसके बाद भी अगर आपका अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है, मीन्स कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके वीज़ा में आ रही है। इसके बाद बात कर लेते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये तीनों नेशनलिटी का लगभग सेम है, इसलिए मैं एक साथ बता रही हूँ कि अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं 1 महीने का, क्योंकि 2 महीने के वीज़े में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है इस समय पे, 1 महीने का विजिट वीज़ा अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो वो मिनिमम 3 डेज से लेके 15 डेज तक का समय इस समय पे लग रहा है। यानी कि हाल में 15 डेज तक का समय लग सकता है आपका विजिट वीज़ा निकलने में। 2 मंथ का वीज़ा जिन लोगों का निकल रहा है, वैसे तो मैक्सिमम लोगों का रिजेक्शन इस समय पे आ रहा है, लेकिन जिन लोगों का भी आ रहा है उन लोगों का 10 टू 15 डेज का समय विजिट वीज़ा आने में लग रहा है। तो ये हो गया विजिट वीज़ा का। अब बात कर लेते हैं वर्क वीज़ा का क्या प्रोसेसिंग टाइम है। तो देखिए, वर्क वीज़ा जिनका जिनका लग रहा है उनका प्रोसेसिंग टाइम भी अकॉर्डिंग टू नेशनलिटी इस समय आ रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन सिस्टम अपडेटेशन के कारण ऐसा हो रहा है। अगर आप इंडिया से हैं तो मैक्सिमम आपका 15 दिन लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन अदर नेशनलिटीज़ का 1 महीने तक का समय लग रहा है। इसलिए अगर आप लोग विजिट वीज़ा में आ रहे हैं तो इस हिसाब से प्लान कीजिए कि आपका वर्क वीज़ा लगने में 15 दिन 20 दिन 25 दिन भी लग सकता है। आपको वो अंडर आप जब चेक कर रहे हैं वो अंडर प्रोसेस ही दिखा रहा है, क्योंकि वो प्रोसेस में ही है। विजिट वीज़ा में जैसे एक टाइम पीरियड हो जाता है ना, उसके बाद आपको ये समझ लेना चाहिए कि हमारा वीज़ा नहीं आएगा, लेकिन वर्क वीज़ा में ऐसा नहीं है। अगर आपको अप्रूवल मिला है, बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं क्या अप्रूवल के बाद वीज़ा आएगा ही क्या ये, तो देखिए अगर आपका वीज़ा अप्रूवल हो गया है तो आपका वीज़ा आएगा ही। रिजेक्शन बहुत कम चांसेस में होते हैं, ऐसे मतलब आप बोल सकते हैं 10-15% ही ऐसे वीज़ा होते हैं जो अप्रूवल के बाद रिजेक्ट करते हैं ये लोग। लेकिन अगर आपका अप्रूवल आ गया तो आपका वीज़ा आ जाएगा। टाइम प्रोसेस जो है 15 दिन 20 दिन 25 दिन, 1 महीने तक का भी समय इस समय पे लग रहा है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका का। और कुछ और नेशनलिटीज़ है जिनका इस समय पे बिल्कुल भी वीज़ा नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे व्यूअर्स उस कंट्री से नहीं है इसलिए मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसे भी कंट्रीज़ हैं जिनका वीज़ा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। चाहे कितना भी आप लोग कोशिश कर लीजिए, कहीं से भी अप्लाई कर लीजिए, ऐसा भी इस समय पे हो रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट ये जो टाइम पीरियड मैंने बताया है, इस हिसाब से आप लोग आगे का प्लान कर सकते हैं। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।